तो अभी जा रहे हैं भाई से छोटी और गए हैं कोई खाने वाला है घर के देखो देवा देवा गुड मॉर्निंग करो देवा नहीं करना बोलो ये नहीं बोलेगा क्योंकि लेट हो रहा है वो रहते हैं कोई चिंता नहीं रहती चिंता नहीं रहता वो बोल रहते हैं लेकिन क्या करें हमें तो जाना पड़ रहा है तो बहुत जल्दी घर जाएंगे वो तो बात जल्दी रिक्शा वाला मिल गया तो रास्ते में है और बहुत कड़ी निकली हुई है और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कहेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है। मम्मा आने बात करो आने बात आप नहीं बात करोगे आने बात करो। अच्छा आने के बाद आप लोगों से बात करेंगे बैठे हुए ट्रैक्टर वाले ट्राली पे सब लोग बैठे हो देख रहे थे तो अभी हम उसके बाद आप लोगों से पहले हम इसको छोड़ दिए हैं दे भाई के ये देखो और अब वापस चल रहे हैं घर जाने के लिए सारे बच्चे लोग जा रहे हैं अब इसी रिक्शे से हम वापस निकल जाएंगे और बस 2 मिनट लगा बहुत ज़्यादा टाइम तो अब इसके पापा नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा कुछ क्या करें कभी ऐसे मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी करना भी चाहिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए जिम्मेदारी समझना चाहिए टीचरों को भी उनकी भी मजबूरी थी और कौन आने वाला है कौन नहीं है वो आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। कितना जाम लगा हुआ है इधर इतना जाम लगा हुआ है तो मत पूछो के पास ये भी एक स्कूल है ना यहाँ बहुत जाम लगता है बहुत ज़्यादा अभी कितना टाइम है उसका तो इसीलिए ज़्यादा ट्रैफिक होती है वैसे तो एकदम सही रहता है सारे बच्चे आप लोग लाइक नहीं करते लाइक भी करते अगर लाइक करने में बहुत कंडीशन करते वाइस कर लेकिन आप लोग प्यार मुसीबत का सामना करके घर को संभाल के सब कुछ करके कैसे न कैसे करके हम आप लोगों तक अपना लाइव वीडियो शेयर करते हैं उसके बाद भी आप और कमेंट भी नहीं करते तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि आप आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हर चीज़ हमने आप लोगों से तक शेयर कर दी है लेकिन फिर भी उसके बाद आप लोग नहीं समझते हैं कि प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर दें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा और आशीर्वाद दे हमें तो हम भी अपनी लाइफ का कुछ कर सकें और अच्छा सा कुछ अपने माँ बाप को प्लीज़ मैं तो कर ही सकती हूँ हम लोग आप लोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। हाँ हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लो देवाय को छोड़ते समय रास्ते में मंदिर पड़ती है तो हमने कहा दर्शन कर लो भोलेनाथ को सब यहाँ गाना बज रहा था कॉपीराइट आ जाएगी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महाकाल के और सब देवी देवताओं के तो जय हो भोलेनाथ के जय हो महाकाल के हर हर महादेव के तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हमें प्यारा प्यारा We'll be right back.
लोग पहुंच गए हैं पार्क में, उनको छोड़ गए देवाई को। और अभी पांडित जी नहीं आए हैं, देखिए कब तक आते हैं। मैं घर पहुंचने वाली हूँ, मैंने सोचा क्लॉक लगा के जा रही हूँ, चाबी एक ही है, तो मैंने कहा कि रख दूँगी, लेकिन ये मना कर दिया कि नहीं आना, जल्दी आ जाओगी, क्योंकि इतना टाइम लगेगा, तो जल्दी से सच में मैं पहुँच गई हूँ। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों को, क्योंकि हम भी थक गए हैं सुबह से उठ के सारा चीज़ करके, टिफिन बनाना, सब कुछ करना, अब उनका केवल टिफिन पैक करना है। तो उसके बाद झाड़ू पोछा सारा सब कुछ आज बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठी थी। तो चलती हूँ, देखती हूँ अभी क्या काम करना, आएंगे तो उनका लंच पैक करूँगी, फिर उसके बाद किचन को पोछूँगी, फिर थोड़ा बड़ा जो काम रहेगा वो करूँगी। तो देखो इतना हरा हरा सा दिख रहा है, ये जेंट्स बैठे हैं, सब राउंड लगा रहे हैं, देख रहे हो सुबह का टाइम है 7:30 का। हम भी पहुंच गए हैं घर, थोड़ी दूर और है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ देवाई को लेने, और अभी बज रहे हैं 1। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर आप मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अकेले यहाँ देवाई को छोड़ने गई थी, क्योंकि इसके पापा गए थे किसी को लाने, कोई गेस्ट आया, मेहमान जो भी है, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।